इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुदामा कोटा यानी सवर्ण आरक्षण पर बहस चल रही है। सुनवाई के पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सवर्णों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस आरक्षण की धज्जियां उड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर मोहन गोपाल ने मंगलवार को संविधान 103वां संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दलीलें दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ को संबोधित करते हुए डॉक्टर गोपाल ने तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस कोटा ने वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व के साधन के रूप में आरक्षण की अवधारणा को उलट दिया है और इसे वित्तीय उत्थान के लिए एक योजना में परिवर्तित कर दिया है। चूंकि ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को बाहर करता है और लाभ सिर्फ सवर्णों यानी अगड़े वर्गों तक ही सीमित रखता है, इसका परिणाम समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और ये संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, हमें 103वें संशोधन को संविधान पर हमले के रूप में देखना चाहिए। ये असमानों के साथ असमान व्यवहार करने के संविधान के विचार को निष्प्रभावी और बेअसर करने का प्रयास करता है। संविधान के दिल में छुरा घोप रहा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जाति आधारित आरक्षण की अवधारणा पेश करता है। डॉक्टर गोपाल ने समझाया कि ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने से पहले जो आरक्षण मौजूद थे वो जाति पहचान पर आधारित नहीं थे, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की कमी पर आधारित थे। यानी एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो जाति के आधार पर नहीं मिला है, बल्कि उनके शैक्षणिक पिछड़ेपन, उनके सामाजिक पिछड़ेपन और उनके साथ जातिगत भेदभाव और कम भागीदारी के कारण उनको आरक्षण दिया गया था, जबकि ईडब्ल्यूएस सिर्फ जाति के आधार पर वर्णों को मिलता है। हालांकि 103वें संशोधन में कहा गया कि पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस कोटा के हकदार नहीं हैं और ये केवल अगड़े वर्गों के गरीबों के लिए उपलब्ध है। यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिर्फ सवर्णों को मिलता है, उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी या कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जो है ईडब्ल्यूएस का और वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता, वो गरीबी के आधार पर आरक्षण का हकदार नहीं है। तो जाति देखकर आरक्षण मिलने वाला ये पहला ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई और इसमें कहें कि सुदामा कोटा की बकिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने कहा, जो डॉक्टर गोपाल ने उन्होंने कहा कि 103वां संशोधन पहला संशोधन है जो जाति आधारित आरक्षण है। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े दो पंख हैं जिन पर आरक्षण निर्भर करता है, मगर इससे हटा दिया जाता है तो यह खत्म हो जाएगा। ये मान लेना एक भ्रांति है कि एससी बीसी आरक्षण जाति आधारित है और उसमें उच्च जातियों को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा, कुमारी बनाम केरल राज्य में ये कहा गया था कि सभी वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में शामिल होने के हकदार हैं, ये देश में अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि राज्यों में सामाजिक भेदभाव के शिकार कई ब्राह्मण समुदायों को ओबीसी आरक्षण के तहत लाभ दिया गया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत आरक्षण उन सभी जातियों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। हालांकि अनुच्छेद 15(6) जिसे 103वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताता है जो एससी एसटी और एससी बीसी आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस बहिष्करणीय पहलू को समानता संहिता की उपेक्षा के रूप में उजागर किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर ये वास्तव में आर्थिक आरक्षण होता तो ये जाति के बावजूद गरीब लोगों को दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आरक्षण केवल प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से हो सकता है। डॉक्टर गोपाल ने संविधान सभा की बहसों का हवाला देते हुए कहा कि वंचित समूहों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई थी। समानता हमेशा पिछड़े वर्गों की मांग रही है, न कि कुलीन वर्गों की, क्योंकि उन्हें ही समानता की आवश्यकता थी। यानी ये बहुत एक जबरदस्त लॉजिक है कि समानता के लिए, विशेष प्रावधानों के लिए हमेशा वंचित तबके, एससी एसटी ओबीसी समाज के, पसमांदा समाज के लोग ही मांग करते रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा आंदोलन इतिहास में देखा जब सवर्णों ने ऐसा आंदोलन किया हो कि वो कह रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनकी कम भागीदारी है, अब उनको ये जो है समानता के अधिकार के तहत बराबरी का मौका दिया जाए? ऐसा कोई आप आंदोलन नहीं देखेंगे, क्योंकि जिनके साथ वंचना हुई उन्होंने ही आंदोलन इतिहास में किए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि वंचित तबकों ने प्रतिनिधित्व मांगा है, आर्थिक उत्थान नहीं मांगा है, यानी कि जो आरक्षण है वो आपको अमीर बनाने के लिए नहीं है कि गरीब से अमीर बना दिया जाए, बल्कि वो भागीदारी की गारंटी है। उन्होंने आगे कहा कि हमें आरक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम प्रतिनिधित्व में रुचि रखते हैं, अगर कोई आरक्षण से बेहतर प्रतिनिधित्व का तरीका लाता है तो हम आरक्षण को अरब सागर में फेंक देंगे, हमें नहीं चाहिए। अगर आपकी पार्टिसिपेशन को, आप रिप्रेजेंटेशन को, भागीदारी की गारंटी का कोई नई फॉर्मूला ला सकते हैं तो वो दे दीजिए और आरक्षण को हम अरब सागर में फेंक देंगे, हमें जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर गोपाल ने संविधान पीठ के सामने कहा है। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय स्थिति एक क्षणिक स्थिति है, यानी कि हम अमीर हैं गरीब हैं वो एक क्षणिक स्थिति है, समय के हिसाब से है, समय बदल जाता है, जो लॉटरी जीतने या जुआ हारने जैसी परिवर्तनशील घटनाओं से बदल सकती है। अब ये देखिए, बहुत जबरदस्त दलील है कि आपने कोई लॉटरी जीती तो आप अमीर हो गए, और आप सबको जुए में हार गए तो आप गरीब हो गए, तो क्या फिर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके आरक्षण के, जो सवर्ण आरक्षण है उसकी मांग करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ संरचनात्मक स्थितियां हैं जो कुछ समुदायों को गरीब रखती हैं, उत्तरार्ध को संबोधित करने के लिए आरक्षण पेश किया गया है ताकि उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व मिल सके, जो बदले में उनकी उन्नति में मदद करेगा। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य आरक्षण देना नहीं होना चाहिए जब तक कि यह प्रतिनिधित्व के लिए न हो। 103वां संशोधन बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है, यह भी उन्होंने कहा है। डॉक्टर गोपाल ने बताया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक व्यक्ति या एक परिवार की स्थिति पर आधारित है, जबकि एसईबीसी आरक्षण समुदाय की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति पर आधारित है, जो संरचनात्मक मुद्दों को ध्यान में रखेगा। ईडब्ल्यूएस व्यक्तियों और परिवारों को दिया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः संविधान एक दस्तावेज है जो अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है, शब्द के एक बड़े अर्थ में जो कमजोर हैं, और 103वां संशोधन हमें इससे दूर कर देता है और परिवारों और व्यक्तियों को देखते हैं। फिर डॉक्टर गोपाल ने कुछ विशिष्ट बिंदुओं को सूचीबद्ध किया जो बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करते हैं। इसमें कहा गया है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभ नहीं मिल रहा है और लाभ केवल अगड़े वर्ग को ही दिया जा रहा है। संविधान में आरक्षण का प्रयोग केवल प्रतिनिधित्व के साधन के रूप में है कि वो आपको पार्टिसिपेशन की गारंटी देता है, उसी के रूप में किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछड़े वर्गों का बहिष्कार अवैध है। आप गरीब व्यक्ति को बताते हैं कि आप निचली जाति से होने के कारण हकदार नहीं हैं। ये सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है, ये जमीन पर हो रहा है। पिछड़े वर्गों को समान अधिकारों और अवसरों से वंचित करने से उनकी पहचान बदल जाएगी। लोगों के विवेक में संविधान और इसे विशेषाधिकार की रक्षा करने वाले एक उपकरण के रूप में देखा जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने दलीलें दी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग आरक्षण को केवल आर्थिक उत्थान के रूप में देखते हैं। डॉक्टर गोपाल ने संशोधन को अगड़े वर्ग को आरक्षण देकर आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने और पिछले दरवाजे से एक छलपूर्ण प्रयास करार दिया। भारत में आरक्षण एकाधिकार विरोधी और कुलीन तंत्र विरोधी है। हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटा लोकतंत्र के साथ कुलीन तंत्र को मिलाने में मदद करता है। संशोधन दो स्पष्ट गलत बयानी के आधार पर पारित किया गया है, एक कि एसईबीसी आरक्षण अगड़ी जातियों को कवर नहीं करता, और ईडब्ल्यूएस कोटा अनुच्छेद 46 यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना के तहत निर्देशक सिद्धांत को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि ईडब्ल्यूएस कोटा अनुच्छेद 46 के सिद्धांत को कैसे आगे बढ़ा सकता है जब ये एससी एसटी को बाहर करता है, ओबीसी को बाहर कर देता है। उन्होंने कहा कि 103वां संशोधन उन लोगों को आरक्षण प्रदान करता है जो परंपरागत रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अन्याय का कारण थे, अन्याय का स्रोत थे। ये उन्होंने बहुत जबरदस्त दलील दी है। इस संशोधन को वंचितों की सुरक्षा के बजाय विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की रक्षा के लिए एक साधन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए मानदंड के रूप में 8,00,000 रुपए वार्षिक आय की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है। इसका मतलब 66,000 रुपए की मासिक आय। आंकड़ों पर भरोसा करते हुए जो बताते हैं कि लगभग 96% भारतीय परिवार 25,000 रुपए से कम मासिक आय कमाते हैं। डॉक्टर गोपाल ने बताया कि ईडब्ल्यूएस कोटा व्यापक कवरेज वाला होगा।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के साथ धोखाधड़ी है। डॉक्टर गोपाल ने संशोधन को 103वां जो संवैधानिक संशोधन किया गया जिससे ईडब्ल्यूएस कोटा मिला संविधान के साथ धोखाधड़ी के रूप में उन्होंने इसका वर्णन किया है। उन्होंने एमआर बालाजी मामले में जस्टिस गजेंद्र गडकर के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि संविधान सभा द्वारा दी गई एक स्पष्ट शक्ति का दुरुपयोग करके संविधान का एक गुप्त उल्लंघन संविधान पर धोखाधड़ी होगा। असंवैधानिक ईडब्ल्यूएस के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी है। उन्होंने बहुत शानदार दलीलें दी हैं डॉक्टर गोपाल ने, और आज भी दिग्गज वकील जो डॉक्टर रवि वर्मा कुमार हैं और जाने माने वकील हैं वो, और डीएमके के नेता और वकील पी विल्सन हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आज दलीलें पेश करेंगे। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। पी विल्सन इससे पहले नीट में ओबीसी आरक्षण लागू कराने की लड़ाई जीत चुके हैं, तो हमें उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और डॉक्टर गोपाल ने तो जबरदस्त काम किया है, ऐसी ऐसी दलीलें दी हैं कि मुखस्से जायते जो लोग हैं वो उनकी तो मतलब सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होगी। उन्होंने शानदार दलीलें दी हैं। आज डॉक्टर रवि वर्मा कुमार और पी विल्सन सुदामा कोटा की कैसे बख्या उधेड़ते हैं इस पर हमारी नजर बनी हुई है, और सबसे पहले हम आप तक जरूरी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट में होता है वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आ सके कि जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण सिर्फ ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा है, बाकी तो जो शैक्षणिक और पिछड़ेपन के आधार पर दिए गए हैं लेकिन यह जाति देखकर दिया जा रहा है। और देश की सबसे बड़ी अदालत में हमारे अपने लोग वकील उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है वो बहुत जरूरी होगा, और देश के निर्माण में देश आगे चलकर कैसा रहेगा उसकी दिशा और दशा तय करेगा। तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करिए मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ पीक।